गुजरात में दंगा होना कोई पहली बात नहीं है, दंगों का गढ़ है वो, बहुत वर्षों से चला रहा है। संक्षिप्त में मेरी बात करने के लिए, दंगा जब होता है तो लोग हम सिर्फ दो लोगों के आते, दंगा जिसका घर जल गया ये वो। मेरे अपने हिसाब से हमारे जैसे जब किसी के साथ दंगा होता है तो एक दो तीन जगह से प्रभावित होता है। एक, मेरे पड़ोसी जिनको हम हिंदू या कहते हैं, उन्होंने आया मेरे घर को मारा कूटा जलाया, वो उससे मैं पीड़ित हुआ। दोबारा पुलिस से हुआ, जिसने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया, घर चल रहा वो अपने आराम से बैठा है। और तीसरा मेरे अपनों से, मेरे अपनों से मतलब वो जिस जाति का उसी से, अगर मैं मुस्लिम हूं तो तीसरा पीड़ित मैं मुसलमान की ओर से होऊंगा, अगर मैं दलित हूं तो दलित की ओर से। यहाँ पे सुबह जो फिल्म दिखाई गई थी, एक बहन कह रही थी कि मेरे तीनों बेटों को पकड़ के ले गए आज तक नहीं है। हमने जब 2004 में गुजरा में काम शुरू किया तो स्पोटा परिवार के लिए पहली बात हमको कोई ऑफिस देने को तैयार नहीं है मुस्लिम लोग, और जब ऑफिस मिल गई तो हमने कहा हम इन कोटा परिवार के साथ काम करेंगे और इनको खाने का कुछ हमको देना था, हमें कहा आपको ऑफिस छोड़ देनी पड़ेगी, इन लोगों को आप नहीं बुला सकते। ये मुसलमान मुस्लिम लॉयर्स ने सबसे ज्यादा शोषण भी किया। दूसरी बात, मुसलमानों में बहुत आम है दूसरी शादी करना, है ना, चार चार रखते हैं, हमारे तौगड़िया जी कहते हैं चार रखते हैं, चार की बात तो जानते हैं। पांडरवाड़ा करके गाँव है जहाँ पे 28 लोगों को मार दिया गया, 7 लड़कियों को मैं जानता हूं जो उनके पति के मरने के बाद बच्चा हुआ, मतलब मरने के महीने दो महीने बाद, इतना लंबा नहीं। वो 7 लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं हुआ, वहां तक तो ठीक, पूरे गुजरात में दंगे के पीड़ित जो, और मरते बूढ़े बहुत कम मरते, जवान ही मरते हैं दंगों में, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 लड़कियों का दोबारा विवाह हुआ है इस कंपनसेशन के चक्कर में चलते। मेरा बेटा तो क्या पैसे भी लेके जाएगी क्या, ये सत्य बात है। दंगों को रोकने के लिए 2 चीजें, एक तो उसको होने से पहले रोकना, और दूसरा दंगा मतलब शांति तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उस गुनहगार को सजा नहीं मिलती, यानी न्याय नहीं होता। ठीक इसी तरह 2004 के अंदर परवन साहब तौगड़िया ने एक त्रिशूल वितरण का कार्यक्रम किया। अब देश उनका राज उनकी जनता उनकी, हम क्या कर सकते हैं उनके सामने, सोचो उन्होंने त्रिशूल वितरण किया। हम कहा हम इस चैलेंज को उठाएंगे, हमारे पूरे साथी लगभग हम उस वक्त 150 साथी थे हिंदू मुसलमान सब, मेरे 2-3 साथी जो हिंदू परिवार से थे वो गए जाके देख के आए कि क्या भाषणबाजी करते हैं सुन क्या है, तो उनको बुलाते हैं उनका नामकरण करते हैं तलवार देते हैं, और वो एक्चुअल तलवार वो त्रिशूल वितरण नहीं है, बिजनेस है। सर ने पहले से पाबंदी रख दी है, वरना मैं आपको गिनती के साथ कर सकता कि इसमें कितना करोड़ रुपए का फायदा होता है, पर इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर तुमने वो धंधा कर लिया तो हमारा काम कौन करेगा। बहुत बड़ा बिजनेस है इसमें, 200 रुपए तो लेते हैं, और कभी होता और 6 इंच का होता है, किसी लोहार से पूछना कितने का बनता है। लेकिन बुलाया उन्हीं लोगों को जाता है जिनकी मन में संभावना ये रहती है मैं एक्चुअल हिंदू हूं कि नहीं, तो उनको कहा जाता है आज से तो हिंदू है, पकड़ त्रिशूल, और वो मेरे दलित भाई है। दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि त्रिशूल महोत्सव है त्रिशूल बांटेंगे, बोला कोई बात नहीं। हमने भी अपने दोस्तों को बुलाया, एनजीओ के जो हमारे साथी थे पड़ोसी एनजीओ से नेटवर्क किया, बुलाया हमने उनके सामने, कहा आप त्रिशूल दीक्षा करो हम फूल दीक्षा करेंगे, देखते हैं कौन क्या लेता है। उनके वहां पे जिसमें प्रवीण तौगड़िया को वहां का एमपी एमएलए प्रशासन, क्योंकि बीजेपी मजबूत थी वहां पे, 100 लोग नहीं आ पाए और हमने 2500 से ज्यादा लोगों को फूल दीक्षा दी। उनसे पूछा आप 2 में से किसको पसंद कर रहे हैं, बोले हम फूल पसंद करेंगे। अंदर ये होता है सरकार आती है बांट के चली जाती है 5-25, जैसे उनके बाप के पैसे हमारे पैसे हमको देने में लाइन में खड़ा रखते हैं दंगों में हादसों में, उसमें 5-25 रुपए बांट के चली जाती है, उसके बाद में सब उनको भूल जाते हैं, रिश्तेदार भी भूल जाते हैं। केस क्यों नहीं होता, क्यों कोई को सजा नहीं होती? 2005
के अंदर 2 अक्टूबर 2005 को ये तय किया कि हम केस लड़ेंगे। इसलिए वो दिन ही कुछ इतना बड़ा था तो उसका नामकरण की बात आई क्या रखें, तो सभी का मिला जुला प्रयास ये रहा कि इसका नाम न्यायग्रह रखें, क्योंकि आज तो सत्याग्रह का दिन है तो कोर्ट में तो सत्याग्रह नहीं कर सकते, तो जेल में डाल देंगे, तो उसका नाम न्यायग्रह रखा। टीम जो इकट्ठी की उसमें से हम जो 7 लोग पहले आए उन 7 में से किसी को यह पता नहीं कि FIR का फुल फॉर्म क्या है, ना मुझे पता था ना यूसुफ को था ना और मेरे साथी जो किसी पता नहीं था। हमने पूछा सर काम क्या करना है, आपको इन वकीलों से काम लेना है और लोगों को कोर्ट केस करने के लिए तैयार करना, मतलब केस लड़ने के लिए तैयार करना, वो मुझे समझ आते पर वकीलों से काम कैसे करेंगे। बोले वो आप थैंक्स टू अर्जुन, काफी इन्होंने ट्रेनिंग और ये वो दिलाई और बाद में वकीलों से भी आज तो बात करने के लायक हो गया। मैं आपको ये बात जो दलितों वाली बात है इसमें मैं फिर एक बार आता हूं, उसमें था मेरे पास इसका एविडेंस है। अहमदाबाद के अंदर जितने भी दंगे हुए आमने सामने आए उसमें दलित और मुस्लिम थे, पड़ोसी थे, काफी गेटो है वहां पे जो एक इलाका है, लेकिन जब वो एक पुलिस का और वहां पे भी एक हमारे और एनजीओ के साथी है कांति भाई करके दलित एक्टिविस्ट है, उन्होंने 6 महीने के बाद मतलब मार्च से लेके जून तक 3 महीने का समरवती सेंट्रल जेल से एक रिकॉर्ड लेके आया कितने लोग दंगे में आपने पकड़े। आप यकीन करें 1500 के रिकॉर्ड में 1460 के 70 दलित और आदिवासी थे। एक्चुअल दंगा ही नहीं थे, बेचारे मजदूर थे, अपनी मजदूरी से भूखे मरते गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड। दूसरा जब समरी रीओपन हुई तो मैं साबरकांठा का काम देखता था, मैंने 23 समरी रीओपन कराई जिसमें 206 लोग अरेस्ट हुए, 206 में से एक भी दलित नहीं था और आदिवासी 2 या 3 मेरे हिसाब से, लेकिन वो बजरंग दल के प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया। दुख की बात यह कि 3 बहनें भी थी लेकिन वो पटेल परिवार से थी। और ये जो हमें मिला मैं अपने दोस्त इसको कहूंगा कि ये खास इसके पास 2-3 चीजें नरोड़ा पाटिया का सुबह बताया, उस कैंप की हालत बताएंगे जहां पे मेरे अपने मुझे रखते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है, और कुछ कॉलोनी के बारे में आपसे बात करेंगे। कैंप का नाम था शाहआलम रिलीफ कैंप, वो एक तरह की वहां दरगाह है, पास बगल में मस्जिद है और पूरा कब्रिस्तान है, और हम लोग पता है कि वहां पर जैसे ही पहुंचे खाना पीना तो कुछ था ही नहीं, हम लोग रात को 1-1.5 बजे वहां पर पहुंचे और हम कहां पे सोए, कब्र के पास में सोए, कब्र के ऊपर सो गए, ऐसा पूरा ये 2-3 महीने तक यही सिलसिला चला कि हम लोग कब्रों के पास सोए, मतलब हम भी जिंदे कब्रिस्तान में ही सो रहे थे, वो एक सिचुएशन था। एक्चुअली जब दंगा हो रहा था मेरे पास 5000 रुपया पड़ा था, तो हम लोग डिफेंस कर रहे थे, पथराव हम भी कर रहे थे सामने बचने के लिए, तो मेरा दोस्त बोल रहा था तेरा पैसा गिर जाएगा घर जाके रख दे, तो मैं पैसा घर जाके रख दिया। मेरा किसी के पूरी कम्युनिटी के पास इतना पैसा नहीं था। अब जो शाहआलम रिलीफ कैंप थे पूरा अहमदाबाद में जो रिलीफ कैंप थे वो 25 से 50 से ऊपर चल रहे थे, और टोटल जो गवर्नमेंट अप्रूवल थे वो 3 ही थे, और पूरे शाहआलम कैंप वो भी गवर्नमेंट कैंप बनाया गया था, अप्रूवल था, तो वहाँ की संख्या होती थी 5000 को देंगे और संख्या थी 50000, रहना कहाँ, खाना कहाँ, सोना कहाँ, पीना कहाँ। मैंने 5 दिन तक तो खाना नहीं खाया क्योंकि सुबह 10 बजे तुम्हें खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाके तुम्हें खाना मिलता था, वही चावल कंकर ज़्यादा आता था, और 2 बजे खाना खाने के बाद वापस तुम्हें लाइन में लग जाना पड़ता था खाने के लिए। और उस वक्त ऐसा था क्योंकि फरवरी को दंगा हुआ, 1 मार्च के बाद तो सबके एग्जाम आ रहे, सबके एग्जाम थे, सबसे पहले तो मैं उससे लड़ना था कि भाई जितने भी एग्जाम्स है तो एग्जाम्स में किस तरह लोगों को क्लियर करवाया जाए, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने पूरा एक हम जानते थे किसका 10th में है, कोई 12th में, 5th, 5th में, तो हमने ही वहाँ रह के सबको एक तरह का ट्यूशन, जो कुछ लोग थे ट्यूचर्स थे आजू बगल बगल में एरिया में रहने वाले, उन्होंने हेल्प किया और हमने पूरा एक ग्रुप चलाया और उसमें एक एग्जाम तो हो गया, लेकिन पूरा 6 महीने तक हम लोग इसी सिचुएशन में रहे और दंगा तो चालू था क्योंकि पहला ये गवर्नमेंट मोटिवेट दंगा था जो रुक नहीं रहा था, और रोज ना रोज
जाने का कम नहीं हो रहा था, लेकिन रोज पब्लिक आ रही थी, किसी को गोली लगी है, किसी का पैर कट गया, कोई मर गया है, इस तरह का पूरा कैंप का बद से बदतर हालत कैंप का था। और जो मुस्लिम समाज थे, जो लीडर्स थे वहां का, जो संचालन करते थे, वो सब तो माफिया लोग थे एक साइड में, कोई वकील था, लेकिन सब जुड़े हुए थे। मतलब क्या उनपे भरोसा नहीं किया जा सकता था कि हमारा आने वाला कल क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे। ये कैंप की सिचुएशन थी। फिर भी हिम्मत करके सब लोग घर चले गए। घर जाने के बाद तो वहां हमारे घर के तो जो नीचे का सीलिंग मतलब दरवाजे तक लोग ले गए, कुछ बचा नहीं था। तो भी हम लोग बिना लाइट के, बिना पानी के वहां रहे, और रोज डर लगता था कि कहीं कुछ वापस ना हो जाए। लेकिन इतना था कि उस वक्त ये दंगों में इतना था कि लोग प्रोटेस्ट करने वाले लोग कुछ ज्यादा थे कि भाई ये दंगों के खिलाफ, जैसे हर जी है, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोले, उसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिला वहां पर, और हम लोगों ने अपनी जिंदगी चलाई वहां पर। जो लोग मतलब बहुत सारी फैमिलीज तो नहीं आई, 100 फैमिलीज थे उसमें, 50 फैमिलीज वहां पर आई, तो हम लोगों ने समूह में ही, तब हम लोग एक्शन एड में थे, एक्शन एड के थ्रू वहां पे एक छोटा सा रिलीफ कैंप बनाया गया, वो लोग हमें फूड प्रोवाइड करते थे, और हम लोग वो वहाँ सब लोग इकट्ठा रहते थे। डर ज्यादा था और वहां पर हम लोग खाना पकाते थे, एक ही हाल में हम लोग सो जाते थे। उसके बाद ये एक प्रक्रिया सदंतर चलता रहा, हर वक्त बहुत खराब हालत कंडीशन का। फिर सेकंड आया न्याय वाला मामला, कि भाई न्याय के लिए आप जस्टिस तो चाहिए, क्या करना। और काफी मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह पे से गुजरात गवर्नमेंट में प्रेशर बन रहा था। जब न्याय वाला प्रोसेस चला, हम लोग देने गए अपना, हम लोगों ने तय कर लिया था हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे। और हम जानते थे कौन था, बस अब अपने ही थे। जो दोस्त 26 फरवरी को मेरे साथ में बैठ गया, हम लोग बातें कर रहे, मेरे घर में आके चाय पानी कर रहा, वही मेरे सामने खड़ा है दंगों के वक्त, वही 28 फरवरी को मेरे सामने पथराव कर रहा था। हम लोगों ने वहाँ के जो VHP, RSS, जो वहाँ के काउंसिलर, जो वहाँ के MLA थी माया कोटनानी, सबके नाम लिखा। पता, हम लोग जब वहाँ लिखाने जाते थे तो हमें पूछा जाता था, आपको पता है कि एक हिंदू लड़का भी मारा गया था वहां पर, तो शायद उसमें आपका भी नाम हो सकता है। इस तरह हमें डराते थे, लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग ना ये करेंगे। और तब मैं एक्शन एड से जुड़ा हुआ था, लाइवलीहुड का एक प्रोग्राम चला, क्योंकि किसी के पास अपना प्रोफेशनल काम करने के लिए कुछ था नहीं, और ज्यादातर वहाँ के लोग धंधा वगैरह करते, तो हम लोग लाइवलीहुड प्रोग्राम स्टार्ट किया। और उस वक्त कॉम्युनल हारमोनी के बेस पे हमने एक हिंदू मुस्लिमों को इकट्ठा किया था, और साथ में खाना बनाना एक प्रोसेस चला था और इकट्ठा किया। उस वक्त मैं बहुत लाइट में आ गया कि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि वहाँ से मैं कोऑर्डिनेशन में कर रहा था। तो जो नाम लिखा हुआ था, जो क्रॉस FIR में जो एक मर गया था, उसमें लिखा था 1+11, उन किसी के नाम नहीं डाले थे उसमें, मेरा नाम और मेरे पापा का नाम दोनों डाल दिया थे। दूसरे जितने भी हम लोग, जितने भी बोलने वाले थे, सभी उसी में शामिल हो गए। और हम लोग वो जेल हो गए 4 महीना तक, तो मुझे जेल में रहना पड़ा ताकि ये लोग टूटते हैं या नहीं टूटते। 4 महीना तक तो आप मान ही मानेंगे, पुलिस ने चार्जशीट भी 85 डेज के बाद किया, चार्जशीट डाल, केस में कुछ नहीं था। हमको वापस फिर बेल मिल गया, वापस आए, फिर वापस लोग इतना डर गए थे जब नानावटी पंच का स्टार्ट हुआ, कोई मुस्लिम बोलने के लिए तैयार नहीं था, ना मुस्लिम लॉयर, ना मुस्लिम लीडर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था कि हम कुछ क्या करें। लेकिन मुकुल सिन्हा, हर्ष जी, सभी लोग, हम लोगों ने नानावटी पंच में जाने का ये किया, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग सिर्फ 5 लोग गए थे, और उस वक्त एक बंदे जो नन्नू मियाँ हैं, जो हमारे गाँव के मुखिया थे, मतलब जो माने हुए लीडर्स थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, और सबके नाम लिखा है जो लोग शामिल थे, BJP, VHP, ये सब। तो और पूरा फ्लैश हो गया पेपर में, और वो लोग जो बीजेपी वाले थे, जो सामने थे, वो लोग घबरा गए, और मुसलमानों को जोश आया, और वापस दूसरे दिन पूरा गाड़िया भर के, एक भी घर पे नहीं रहा, सब लोग जुबानी देने के लिए आए। ये कंडीशन उस वक्त पे रहा। और आप ये देखते हैं कि दंगों में मुसलमान मारे गए, उसका साइड इफेक्ट आप नहीं देखते हैं। साइड इफेक्ट में ये रहा, जिस दिन दंगे हुए तो 6-7 महीने तक चालू रहे। लोग जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सभी के धंधे वगैरह सब बंद हो गया था, कोई कहीं पे नहीं जा रहा था। अगर सिटी में आता तो डर लगता था कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा।
उसी दौरान जो हिंदू परिवार में से थे तो पेपर आउट हुआ, 50 से 50 to 100 परिवार ने आत्महत्या कर ली, बिकॉज उन पे कर्ज हो गया था, वो लोग जा नहीं सकते थे, कोई व्यापारी था उसका उसका ये कर्ज हो गया था। तो 100 परिवार ऐसा था जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या की हिंदू परिवारों ने। ये एक साइड इफेक्ट रहा था दंगों का, और ये पेपर आउट भी किया गया था कि आज ये परिवार ने सामूहिक हत्या की कर्ज की वजह से, आज ये परिवार ने किया कर्ज की वजह से, ऐसा बिल्कुल पे ये एक साइड इफेक्ट रहा। लेकिन किसी ने मतलब ये तो बहुत आया नहीं, क्योंकि अगर आता तो उन लोगों की बदनामी होती। हम लोगों ने जब ये प्रोसेस किया जस्टिस वाला, जस्टिस में हमें बहुत दिक्कत आई। हम लोग नाम लिखाए, फाइनली हम लोगों ने एसआईटी का जब गठन हुआ, एसआईटी में हम लोगों को रोज रोज हमें धमकी दी जाती थी कि भाई आप ये करोगे तो आपको ये होगा, आप नरोड़ा गांव में आपको रहना है या नहीं रहना है, ये वगैरह बहुत सारा हमको थ्रेट्स दिए गए। फिर भी हम लोग वहां पर गए, और जितने लोग थे, जो लोग बड़े बड़े काउंसिलर थे, बीएचपी वाले थे, ये बोलते थे हमें कभी जेल नहीं होगी, सबको जेल करवाई, एक भी ये बंदा ऐसा नहीं था जिसको जेल नहीं।